शहर के दी साउथ पब्लिक स्कूल द्वारा चलाए जा रहे कई सामाजिक कामों को देखते हुए ऑक्सफोर्ड लंदन के एमडी सुमंतो दत्ता और उनकी टीम हाल ही में स्कूल प्रबंधन से मिले। स्कूल द्वारा किए जा रहे सभी अच्छे कामों की सराहना करते हुए ऑक्सफोर्ड के सुमन दत्ता और उनकी टीम ने दी साउथ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र दस्तूरे और तमाम अध्यापक अध्यापिका इनकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आइए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड के एमटी की टीएसपीएस में विजिट। आज सुबह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन के एमटी श्री सुमंतो दत्ता जी ने साउथ पब्लिक स्कूल में दस्तक दी। उन्होंने स्कूल के प्रशासन अनुशासन की इस दौरान काफी तारीफ की। ऑक्सफोर्ड ने यह स्कूल चुनने का कारण बताया कि टीएसपीएस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अच्छी तरह से काम चल रहा है। यहाँ पर स्किल डूइंग एंड लर्निंग एक्सपेरिमेंट, मैथ्स गार्डन, लाइब्रेरी, खेलकूद, संगीत से परिपूर्ण है। इस स्कूल के निदेशक देवेंद्र दखुड़े, प्राचार्य डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे, सौ केलापुरे, मनीषा सालुंके, जयश्री देशमुख, अंजलि देशपांडे इत्यादि ने स्वागत किया। ऑक्सफोर्ड की टीम में श्री रविरथ, चंद्रशेखर खंगार, रोहित चौरासिया, क्षितिज ठाकरे उपस्थित थे। अंत में स्कूल का मानचिन्ह भी उन्हें दिया गया। शहर के एक माने जाने ऐसे एक स्कूल जिसका नाम है दी पब्लिक साउथ पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के हमारे पास में डायरेक्टर देवेंद्र दस्तूरी जी इस समय में मौजूद है, जहां ऑक्सफोर्ड की टीम आई हुई है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऑक्सफोर्ड की टीम ने किस प्रकार का मुआयना किया और किन बातों के लिए वे आज यहाँ पे है। सर, फर्स्ट यू टेल अस व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सफोर्ड्स टीम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो बड़े ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि यूके की कंपनी है, वहाँ के श्री सुमंता दत्ता जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ में रवि रथ जी है, चौरसिया जी है, चंद्रशेखर जी है, क्षितिज जी है और हमारी पूरी स्कूल की टीम। तो यहाँ पर हमारे स्कूल में जो एक प्रकार का नया एक्सपेरिमेंट, स्किलफुल लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है, उसको देखने के लिए स्पेशली आज यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। तो आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि इतने बड़े कंपनी के एमडी यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने जो हैप्पीज मैथ्स गार्डन देखा, बाद में हमारा स्कूल का वर्किंग देखा और उसके बाद में ऐसे पता चला कि अपनी स्कूल बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने हमको बेस्ट विशेस भी दिए और साथ में कहा कि आप आगे बढ़िए, आप जो भी सपोर्ट चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव अस। तो आज हम लोग बड़े ही खुश हैं कि एक प्रकार से अपने यहाँ पर जो बड़ी लेबोरेटरी है, जहाँ पर हम लोग डूइंग एंड लर्निंग पर विश्वास रखते हैं, छोटे बच्चे से लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं तक के सभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने लगाते हैं। यहाँ पर मैथ्स गार्डन है, यहाँ पर खेलने का वातावरण है, स्कूल की क्रिकेट की टीम अच्छी है। तो उन्होंने पूरा चेक किया और उसके बाद में ही उन्होंने सर्वे करके यहाँ पर आए और हमको आज बड़ी ही खुशी हो गई है। मैं आपका हाँ न्यू एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दत्ता जी का और उनका जो कहना है, उनकी कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ही पॉजिटिव पद्धति से लिया है और उस पर NCF के आते ही उसी प्रकार से उनका रिसर्च एंड एनालिसिस काम शुरू हो गया है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, NCF जब आ जाएगा, उसके बाद में हमारे जैसे सभी स्कूलों को उसका एडवांटेज मिलेगा। इसमें एक प्रकार से जनता की, पब्लिक की पार्टनरशिप रहेगी स्कूल में कि सभी लोग यहाँ पर आएंगे और सभी लोगों का योगदान स्कूल के प्रति रहेगा, जिसके वजह से बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो आप थे देवेंद्र दस्तूरी जी, जिन्होंने बखूबी व्यापक के साथ बात करते हुए ये बताया कि ऑक्सफोर्ड की टीम किस प्रकार से यहाँ पे आई थी और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। यकीनन भविष्य में बच्चों को और उनके अभिभावकों के साथ साथ तमाम पूरे जितने भी प्रबंधन है उनको फायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरा, BC News नागपुर।